क्या सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में फिल्म मेकर करण जौहर को मिली क्लीन चिट? क्या यशराज फिल्म्स के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई पुलिस? सुशांत सिंह राजपूत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर पुलिस की टिकी है इन्वेस्टिगेशन? क्यों पुलिस की जांच रिया पर आकर रुकी हुई है? क्या सुशांत और रिया के बीच पैसों के लेन देन इस इन्वेस्टिगेशन की दिशा को बदलेगी? वेल, अब सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, जहां एक ओर सोशल मीडिया पर यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा और धर्मा प्रोडक्शन के करण जौहर पर सुशांत सिंह राजपूत को परेशान करने के आरोप लगते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ताजा रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में अब YRF की तरफ से आदित्य चोपड़ा और धर्मा प्रोडक्शन के करण जौहर से पूछताछ की संभावनाएं बेहद कम हो गई हैं, क्योंकि पूछताछ के लायक पर्याप्त सबूतों की कमी देखी जा रही है। रिपोर्टेडली पुलिस की जांच अब रिया पर टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि संजय लीला भंसाली के बयान के बाद जहां आदित्य चोपड़ा की मुश्किलें आसान हुई है, तो वही अभी तक जिन 35 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, उनमें से किसी ने भी अपने बयान में करण जौहर के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत को परेशान करने का आरोप नहीं लगाया है। हालांकि पुलिस के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत मीडिया में आने वाले ब्लाइंड न्यूज आइटम से परेशान हो जाते थे। पुलिस के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत बेहद सेंसिटिव शख्सियत थे, लेकिन अभी तक इस थ्योरी का कोई भी लीगल ग्राउंड पुलिस के पास तैयार नहीं हो पाया है। खबरों के मुताबिक आखिरी वक्त में सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहे मैनेजर से लेकर फैमिली मेंबर्स तक किसी ने भी करण जौहर के ऊपर सुशांत सिंह के बॉलीवुड बॉयकॉट का एक भी आरोप नहीं लगाया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रिया चक्रवर्ती के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के पैसे खर्च करने की बात सामने आई है, लेकिन ये रकम कितनी है इसकी जांच अभी होनी बाकी है, और रिपोर्टेडली पुलिस जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्टर और उनकी बहन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाली है। यानी कि सीधे तौर पर न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो संजय लीला भंसाली के बयान, YRF और सुशांत सिंह के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी के बाद जहां आदित्य चोपड़ा को राहत मिली है, वही करण जौहर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलने से वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन रडार से दूर होते दिख रहे हैं। इस पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।